तो सल्तनत काल का टाइम और पीरियड कब से कब है, बात करते हैं। बारह सौ छह से 1526, 1206 से 1526। तो बात करते हैं इस समय किस किस राजवंश ने शासन किया। उसके लिए दोस्तों हम एक सूत्र देखते हैं, मध्यकाल में भारत पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। क्या मध्यकाल में भारत पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है ये, तो उसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। आप कह सकते हैं गुड़ खा तसले में। क्या गुड़ खा तसले में, तो गुड़ से क्या बनाना है हमें, गुड़ से बनाना है गुलाम, गुलाम वंश। उसके बाद खा, खा से बनाना है खिलजी, खिलजी। उसके बाद तैसे बनेगा तुगलक, तुगलक, तुगलक वंश। उसके बाद में सैसे है सैयद वंश, और लैसे है लोदी, लोदी वंश, और अंत तो गुतवा मैसे बनेगा मुगल। तो ये मध्यकाल में शासन करने वाले राजवंशों के क्रम है दोस्तों। आप देख सकते हैं हम लिख रहे हैं गुड़ खा तसले में, तो गुड़ से बनाया है हमने गुलाम वंश सबसे पहले, खा से बनाया है खिलजी वंश, तय से बना दिया तुगलक वंश, सह से बना दिया हमने सैयद वंश, ल से बन गया लोदी, और मैं से बन गया मुगल। तो ये सल्तनत काल के वे शासन हैं और मध्यकाल के जिन्होंने मध्यकाल में शासन किया है। अब हम बात कर लेते हैं किस किस ने कब कब शासन किया। तो देखो मैं आपको इसको अलग से दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले कौन सा राजवंश आया, तो हमने बात कर ली गुलाम वंश, गुलाम वंश का शासन है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, एक में ही क्लियर हो गया। उसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं, गुलाम के बाद में हमने बात की खिलजी की, खिलजी वंश का समय शुरू होता है 1290 में और ये शुरू खत्म होता है 1320 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में अगले राजवंश की हम बात कर लेते हैं, तो अगला राजवंश है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय शुरू होता है 1320 में और ये चलता है 1414 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का समय है 1414 से और 1451 तक। और फिर उसके बाद में अपन लास्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन देख लेते हैं, लोदी। और लोदी वंश का समय है 1451 से 1526। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा है, ये सारा एरा, ये सारा काल, यही कहलाता है सल्तनत काल। ठीक है, क्या कहलाता है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरा सल्तनत काल कहलाता है। और सल्तनत काल का टाइम है कितना टाइम है आप जानते हैं, बार बार कह रहा हूं तो याद हो जाना चाहिए, 1206 ईस्वी से लेकर 1526। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल सल्तनत काल के फ्रेंड्स, फिर मुगल पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। अभी गुड़खा तसले में हमने दे दिया था कि अगर राजवंशों की बात करें, क्योंकि मुगल काल सल्तनत काल में काउंट नहीं होता है, मुगल अपने आप में एक टाइम ऑफ पीरियड है, एक पूरा का पूरा एरा है, एक पूरा का पूरा काल है। तो वन बाय वन एक एक करते हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश के।
गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय हमने देख लिया है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, ठीक है। गुलाम वंश के और भी उपनाम है दोस्तों, इसको कहते हैं दास वंश, इसको कहते हैं मामलूक वंश, मामलूक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुआ हो लेकिन स्वयं गुलाम हो, तो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम क्या कहलाता है, मामलूक कहलाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इस वंश का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है सुल्तान इल्तुतमिश, और उसके बाद क्वेश्चन आता है इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इस वंश का अंतिम शासक है क्यूमर्स। तो ये मुख्य मुख्य प्रश्न जो है, जो हमने एक ही चार्ट में देख लिए हैं कि गुलाम वंश कब से कब तक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक है, इसे दासवंश कहते हैं, इसे मामलुक वंश कहते हैं, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इस वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश या अल्तमिश को कहा जाता है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, तो वो क्यूमर्स है, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक एक करके बात करते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं दोस्तों, क्या हेडिंग लगाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक में से, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम और पीरियड कब से लेकर कब तक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। चलो अब बात करते हैं इसके नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके नाम का, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का शाब्दिक अर्थ, एक तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है चंद्र का स्वामी, और अगर हम भारतीय भाषा में कहें तो चंद्र का स्वामी मतलब शिव। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं इसके उपनाम या उपाधियों की, इसे कहते हैं हातिम सेकंड, हातिम द्वितीय कहा जाता है इसको, लाखों दान देना के लिए उदारवादी होने के कारण इसे कहा जाता है लाख बख्श, क्या कहा जाता है दोस्तों, लाख बख्श कहा जाता है इसको, हातिम सेकंड कहा जाता है इसको, और क्या कहा जाता है इसको। चलिए तो उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि इसने इस राजवंश की स्थापना कब की है दोस्तों, तो ठीक है, तो ये इसके स्पष्ट हो रहा है कि 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद इसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये कौन था, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, कौन था ये, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम ऐबक में से करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखो। चलिए तो सबसे पहली बात करें, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजधानी बनाई इसने लाहौर में, कहते हैं कि जब लाहौर में ये था तो
अपने सामंतों और यानी कह सकते हो अमीर और सरदारों के आग्रह पर इसने पद स्वीकार किया, लेकिन इसे वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया दोस्तों। इसने कभी नहीं कहा कि आई एम द किंग। तो ये वो ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। इसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया, अपने आप को एक सिपाहसालार ही कहता है, यानी एक सेनापति ही कहता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसकी एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट ये है कि इसने गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया। गजनी का मतलब इस समय कौन था? मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी, उसका भतीजा गयासुद्दीन गौरी। से संबंध विच्छेद कर लिए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसका। देखिए, जब इसने अब उसको कर वगैरह नहीं चुकाता है तो ये गयासुद्दीन गौरी अपना सम्मान बनाए रखने के लिए क्या करता है, 1208 ईस्वी में ऐबक को विधिवत रूप से दास्ता का मुक्ति पत्र प्रदान करता है। तो दास्ता का मुक्ति पत्र प्रदान करता है। और इसको वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इसने उस समय इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्माधिकारी कौन होता था? खलीफा। तो खलीफा से इस्लाम बनने की अनुमति यानी खिल्लत प्राप्त नहीं की। यानी शासक बनने की एक तरीके से लिखित अनुमति तो शासक बनने की इसने लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की है दोस्तों, ठीक है। क्या नहीं किए? शासक बनने की इसने लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की है। साथ ही साथ में सुल्तान की उपाधि का भी यह प्रयोग नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसने क्या कारनामे किए उनकी बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा निर्मित कुछ इमारतों की, क्या क्या इसने बनाया है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों में सबसे पहली चीज अपन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं दोस्तों? इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया। कहां कहां बनाया? तो पहले दिल्ली में बात कर रहे हैं अपन। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया दोस्तों। ये उत्तर भारत में निर्मित प्रथम इस्लामिक इमारत है, या हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में और क्या बनाया इसने? दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। हालांकि कुतुब मीनार पूरी करवाते इससे पहले इनका जीवन पूरा हो गया था और उसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, लेकिन फिर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाई दोस्तों। तो कुतुब मीनार नाम से ऐसा लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण अपने ही नाम से करवाया था, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। किसके गुरु थे? ऐबक के गुरु, नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया और इसका नाम क्या रखा? कुतुब मीनार रखा। किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। चलिए, उसके अलावा हम बात करते हैं कि राजस्थान में भी इन्होंने क्या कोई इमारतें बनवाई? बिल्कुल बनाई दोस्तों। तो कहां बनाई? अपन चलते हैं सीधे सीधे अजमेर।
अजमेर में इन्होंने क्या बनाया, अजमेर में बनाया ढाई या अढ़ाई दिन का झोपड़ा। देखिए जहां ये ढाई या अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक इस्लामी इमारत निर्मित है, इस स्थान पर किसी जमाने में क्या बना हुआ था, यहां पर बनी हुई थी दोस्तों एक संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय, संस्कृत पाठशाला। उसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके स्थान पर क्या बनवा दिया, ढाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। तो किसे तुड़वा कर, तो मैं आपको बता देता हूं, विग्रह राज चतुर्थ या यूं कहे बीसल देव चौहान द्वारा निर्मित संस्कृत कंठाभिरण विद्यालय या संस्कृत पाठशाला। को तुड़वा कर उसके स्थान पर ये ढाई दिन का झोपड़ा इमारत बनाई गई फ्रेंड्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर आपके विग्रहराज चतुर्थ और बीसल देव चौहान ने अपने नाटक की कुछ पंक्तियां भी उत्तीर्ण कराई थी, जिस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक था, चंपू शैली में लिखा गया था। जो लेख गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उस शैली को चंपू शैली कहते हैं। तो ये किसने लिखा था, स्वयं विग्रहराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान द्वारा रचित नाटक है दोस्तों। इसी ने इसकी रचना की थी, लेकिन इसकी दीवारों पर इसने उत्कीर्ण करवाई थी। और अब किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इमारत को तोड़कर या यूं कहें कि इसका रूप परिवर्तित करके इसे इस्लामिक इमारत यानी कि एक मस्जिद का रूप दिया और ढाई दिन या अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक इमारत का निर्माण करवा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, इस ढाई दिन के झोपड़े के बारे में कहा जाता है कि यहां सूफी संत पंजाब शाह पीर का ढाई दिन का उर्स लगता है। तो इसे ढाई दिन का झोपड़ा कहने के पीछे दो प्रमुख कारण है फ्रेंड्स। क्या कारण है, एक तो कहा जाता है इसका मूल ढांचा ढाई दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरा कारण बताया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहां ढाई दिन तक रुके थे, इसलिए भी इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। और अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि यह सूफी संत पंजाब शाह पीर का ढाई दिन का उर्स लगता है, उर्स मतलब मेला, इसलिए इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का दरबारी कवि कौन था, तो ताजुल मुआसिर का लेखक जो था उसका नाम था दोस्तों क्या था, हसन निजामी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में एक प्रमुख कवि था जिसका नाम है दोस्तों हसन निजामी। हसन निजामी, और हसन निजामी की जो पुस्तक है उसका नाम है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का एक सेनापति है, इसका बड़ा ही क्रूर सेनापति है फ्रेंड्स। इसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बख्तियार खिलजी। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसको आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था और इस बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इसमें आग लगा दी। क्या कर दिया, इसमें आग लगा दी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए। आधुनिक पोलो होता है उसी प्रकार का खेल होता था चौगान। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई। तो
कैसे मृत्यु हुई? चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख घटनाओं के साथ इतिहास समाप्त होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है दोस्तों, जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह शासक बना, पर आराम शाह बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया फ्रेंड्स। ये लगभग 1210 से 1212 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है। और उसके बाद जो शासक बनेगा उसे हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं दोस्तों, और उसका नाम है, क्या नाम है? इल्तुतमिश या अल्तमश दोस्तों, जो कि एक इल्तुतमिश तुर्क था। तो बात करते हैं हम इल्तुतमिश की थोड़ी सी। तो इल्तुतमिश देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश का शासनकाल था 1212 से लेकर 1236 ईस्वी तक का शासनकाल सम्राट सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल था। कौन था इल्तुतमिश? ये दोस्तों एक इल्बरी तुर्क था। क्या जाति थी इसकी? इल्बरी तुर्क था फ्रेंड्स, ठीक है। ये शुरुआत में, प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था दोस्तों। क्या था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, ठीक है। और उसके बाद 1205 में क्या हुआ, खोखरों ने विद्रोह कर दिया था भारत में, और उस समय ये पूरे क्षेत्र का सुल्तान कौन था? सुल्तान मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जब इस विद्रोह का दमन करने आया तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी युद्ध में भाग लेता है, और साथ ही साथ में कौन युद्ध में भाग ले रहा था आपका? इल्तुतमिश भी था, क्योंकि गौरी का गुलाम है ऐबक और ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जानता है कि बॉस का बॉस कौन है, इसलिए इल्तुतमिश इस पूरे युद्ध में पूरे युद्ध में गौरी के इर्द गिर्द ही युद्ध लड़ता है दोस्तों, जिससे गौरी की नजरों में आ जाता है और गोजरी समझता है कि यह बहुत ही अच्छा, होशियार, समझदार और बहादुर और स्वामी भक्त लड़का। इसलिए इस युद्ध के बाद भले ही गौरी घायल हो जाता है, लेकिन ऐबक को बुलाता और कहता है कि ऐबक, बोले जी हुजूर, बोले इस लड़के इल्तुतमिश को आज से तुम दास्ता से मुक्त कर दो। बोले जी हुजूर, जैसी आपकी आदेश या जैसी आपकी आज्ञा। तो ऐसा उसे करना पड़ता है। तो 1205 ईस्वी में गौरी के कहने पर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है फ्रेंड्स, फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऐबक भी इसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित होता है दोस्तों, और ऐबक इसको क्या बना देता है? अपना दामाद बना लेता है। क्या बना देता है? दामाद बना देता है दोस्तों। और ये प्रारंभ में ऐबक का गुलाम था, लेकिन अपनी प्रतिभा से ऐबक का गुलाम से दामाद बन गया, और एक दिन ये दामाद से हिंदुस्तान के तख्त पर आसीन हो जाएगा। तो देखते हैं हम अगली बात। उसके बाद हम बात करें तो इसके समय के जो प्रमुख विद्रोही थे उनमें दो दल इंपोर्टेंट थे फ्रेंड्स। एक था मुइजी दल और दूसरा कुतुबी दल। कौन कौन था? मुइजी दल और कुतुबी दल। इन दोनों दलों का इसने दमन किया, और इनमें से जो प्रमुख था वो था यालदोज दोस्तों। कौन था? यालदोज। तो तराइन का तीसरा युद्ध, सबसे पहली बात तो तराइन की बात कर रहा हूं दोस्तों। तराइन का पहला युद्ध काफी फेमस है, दूसरा भी फेमस है, दोनों 1191 और 92 में गौरी और पृथ्वीराज के मध्य हुए, जो हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध बहुत गौण है, छोटा है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि तराइन के दो ही युद्ध हुए। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1215 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो इल्तुतमिश और यालदोज के बीच हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता दोस्तों? तो इस युद्ध में विजय पताका इल्तुतमिश के हाथों में थी। इल्तुतमिश इस युद्ध में विजयी हो गया दोस्तों, ठीक है। और यालदोज इस युद्ध में क्या हो गया? पराजित हो गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब चूंकि इसने कुतुबी और मुइजी दल का दमन कर दिया है, तो शासन चलाने के लिए इसे कोई तो व्यक्ति चाहिए होंगे जो इसके सहयोग करेंगे, इसकी मदद करेंगे दोस्तों। तो आपको पता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शासन चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, और उन्हें अपना अपना काम सौंपते हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपनी पूरी सेना, सेनापति और सिपा सालारों में से प्रमुख वे व्यक्ति छांटे जो इल्तुतमिश के बहुत खास है, स्वामी भक्त है, वफादार है, और इन 40 लोगों को मिलाकर इसने एक दल बना दिया, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स तुर्कान ए चेहलगान। तो तुर्कान ए चेहलगान या 40 गुलामों का दल या 40 का गठन किसने किया दोस्तों? तो तुर्कान ए चेहलगान या 40 गुलामों के दल या यूं कहें 40 का गठन किसने कर दिया? तो इसका गठन इल्तुतमिश ने किया है दोस्तों,
ठीक है, आगे चलकर हम बात करते हैं कि बलबन इसको विघटित कर देगा, लेकिन गठन किसने किया, इसकी स्थापना किसने की, तो इल्तुतमिश। ठीक है, चल आगे बढ़ो। उसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक शासक किसे कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। देखो फ्रेंड्स, अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो वो कौन था, वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा, कौन देना पड़ेगा, इल्तुतमिश देना पड़ेगा दोस्तों। कौन देना पड़ेगा, इल्तुतमिश देना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अनेक कारण थे। देखो, कभी भी ऐबक ने ये नहीं कहा कि आई एम द किंग, यानी मैं सुल्तान हूं। उन्होंने ऊंचे पदाधिकारी, अमीर या सिपासालार का ही पद ग्रहण किया, जबकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वो पहला शासक है दोस्तों, जिसने अपने आप को सुल्तान कहा और सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, राजधानी अब तक थी लाहौर, तो लाहौर से पहली बार राजधानी दिल्ली में किसने स्थानांतरित की, तो वो भी इल्तुतमिश था। तो प्रश्न आता है सल्तनत काल का या गुलाम वंश का, वो पहला शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया वो कौन था, तो वो सुल्तान इल्तुतमिश था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, किसी भी शासक का राज्य तब फिक्स माना जाता था या स्थायित्व माना जाता था जब वो खलीफा से शासक बनने की अनुमति प्राप्त करता था। देखिए दोस्तों, उस जमाने में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जो धर्माधिकारी होता था उसे हम कहते हैं खलीफा। क्या कहते हैं, खलीफा। और खलीफा से खिल्लत प्राप्त करनी पड़ती थी, यानी आज की भाषा में कहूं तो लाइसेंस कह सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन करवाना कह सकते हो आप। तो ये पहली बार किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, यानी ऐबक ने ऐसा नहीं किया था। कब किया, 1229 ईस्वी में किया। तो देख लेते हैं इन बातों को फ्रेंड्स। तो बात करते हैं प्रथम शासक, ऐसा प्रथम शासक गुलाम वंश का जिसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया फ्रेंड्स, वो इल्तुतमिश। फिर हमने बात की कि राजधानी इसने क्या बना ली, लाहौर की जगह दिल्ली को बना दिया। फिर 1229 में इसने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, यानी शासक बनने की लिखित अनुमति प्राप्त की है। ऐसा करने वाला ये सुल्तान या सल्तनत वंश का या गुलाम वंश का पहला शासक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1221 ईस्वी में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटित हो गई फ्रेंड्स। मैं आपको बताता हूं क्या घटना घटित हो गई। देखिए, मध्य एशिया में प्रमुख मंगोल शासक, जानते हो मंगोल, मंगोल जहां रहते थे उन्हें, उसी देश को आज हम मंगोलिया कहते हैं। मध्य एशिया की एक ताकतवर और बर्बर जाति थी दोस्तों, ठीक है। तो उसका उस समय शासक था चंगेज खान। चंगेज खान वॉज वेरी पावरफुल पर्सन दोस्तों, मध्य एशिया में उसकी धाक थी। तो इसकी बेटी से मोहब्बत करने का गुनाह कर बैठा ख्वारिज्म का शहजादा, नाम था उसका जलालुद्दीन मंगबरनी दोस्तों। इस जलालुद्दीन या जमालुद्दीन मंगबरनी को प्रेम हो गया चंगेज खान की बेटी से, और इस बात की भनक किसको लग गई, चंगेज खान को लग गई, अमरीश पुरी को लग गई दोस्तों। अब चंगेज खान इसे पकड़ने का आदेश देता है। ख्वारिज्म का शहजादा जोश जोश में मोहब्बत तो कर बैठता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो चंगेज खान की औलाद है। तो चंगेज खान की बेटी से मोहब्बत करने का गुनाह उसे भुगतना पड़ता है, और उसे पकड़ने के लिए चंगेज खान अपने सैनिक भेज देता है, पीछा करता है, वो भाग कर भारत आ जाता है दोस्तों। जलालुद्दीन मंगबरनी कहां जाता है, भाग कर भारत आ जाता है, और भारत आकर ये इल्तुतमिश से शरण मांगता है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते चंगेज खान भी भारत आ जाता है। चंगेज खान का मूल नाम दोस्तों तिमुचीन था। क्या नाम था, तिमुचीन। और वो इतना पावरफुल था दोस्तों कि अगर इल्तुतमिश ने इस जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता कर दी होती, तो उसे चंगेज खान से टकराना पड़ता, और चंगेज खान से टकराने का मतलब था कि सुपुर्दे खाक हो जाना, यानी इसकी हस्ती नेस्त नाबूद हो सकती थी दोस्तों। गुलाम वंश उखड़ सकता था, ताश के पत्तों की तरह ढह सकता था। लेकिन इल्तुतमिश वॉज वेरी क्लेवर पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान और चालाक। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इस जलालुद्दीन मंगबरनी को साफ साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया कि आई कांट हेल्प यू जेंटलमैन, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, और अगर तुम यहां से सीधी तरीके से नहीं गए तो हम तुम्हें पकड़कर चंगेज खान के हवाले कर देंगे, क्योंकि चंगेज खान से दुश्मनी महंगी पड़ सकती थी। तो जलालुद्दीन से दोस्ती, चंगेज खान से दुश्मनी थी, इसलिए इसने उसको नहीं पना दी। और इसका बड़ा फायदा हुआ कि जलालुद्दीन मंगबरनी भारत से दबे पांव वापस भाग गया, और इसका पीछा करते करते चंगेज खान के वापस गया, और चंगेज खान के वापस जाने से भारत में शांति व्यवस्था बनी रही दोस्तों।
तो ये एक अच्छी बात हुई। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं कि भारत में सल्तनत काल में पहली बार मुद्रा प्रणाली में सुधार किसने किया। तो मुद्रा प्रणाली में सुधार की पेशकश या शुरुआत किसने की, इल्तुतमिश ने की है फ्रेंड्स। इसने भारत में अरबी प्रणाली पर आधारित सिक्के जारी किए। किस प्रणाली पर आधारित सिक्के जारी किए, अरबी प्रणाली पर आधारित सिक्के जारी किए। दो प्रकार के सिक्के जारी किए हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के, दो प्रकार के सिक्के जारी किए, एक चांदी का सिक्का और एक तांबे का सिक्का। तो जो चांदी का सिक्का था उसे कहा जाता है टंका। और दूसरा जो सिक्का है वो था जीतल, जीतल तांबे का सिक्का था। तो ये दो प्रकार के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश ने जारी किए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इल्तुतमिश के कार्यों की, तो इक्ता प्रथा का प्रारंभ इसी ने किया। किसका प्रारंभ कर दिया, इक्ता प्रथा का प्रारंभ कर दिया दोस्तों इसने। ठीक है, इक्ता क्या है पहले तो मैं ये समझा दूं आपको। देखिए, कुछ पदाधिकारियों को वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि अनुदान में दे दिया जाना। ठीक है, तो वेतन के बदले जो भूमि अनुदान में दे दी जाती थी, एक तरीके से जागीर में दे दी जाती थी, इसी भूमि को क्या कहा जाता था, इकता। तो ध्यान रखना, ई से इल्तुतमिश और ई से इकता। तो भारत में पहली बार इकता प्रथा का प्रारंभ किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और यहां का जो जिसको ये भूमि दी जाती थी उसे इक्तेदार कहते थे, और इक्तेदार का कार्य होता था उस इकता की सारी शांति और व्यवस्था कायम रखना, वहां से राजस्व इकट्ठा करना और वहां शासन संचालित करना। ठीक है, तो सल्तनत कार की शक्ति का आधार इकते थे, ऐसा भी आप कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करें इल्तुतमिश के समय की बातों की मेन मेन, तो उसके अलावा हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम मकबरा निर्माण का प्रारंभ किसने किया। तो सर्वप्रथम मकबरा या मकबरे का निर्माण करवाया। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मकबरा किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जिस स्थान पर अंतिम संस्कार किया जाए उस स्थान पर उसकी याददाश्त के लिए यादगार के रूप में एक छोटी बड़ी इमारत बना दी जाती है दोस्तों। ऐसी ही इस इमारत को हिंदू धर्म में छतरी कहते हैं और इस्लाम में इसको मकबरा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल भी मुमताज का मकबरा ही है दोस्तों। समझ में आ रही है बात। तो बात कर रहे हैं अपन, तो सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। तो वो मकबरा किसका है, तो बात करते हैं, तो वो मकबरा है इल्तुतमिश के पुत्र का। इल्तुतमिश ने ये मकबरा अपने पुत्र का बनवाया था दोस्तों, और इस पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। तो भारत में निर्मित पहला मकबरा किसका है, तो वो नासिरुद्दीन महमूद का है। और इस मकबरे का अगर नाम पूछ लें कि क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम रखा गया था फ्रेंड्स सुल्तानगढ़ी। क्या नाम रखा गया, सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी क्या है, सुल्तानगढ़ी एक मकबरा है जो दिल्ली में है, और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की स्मृति में करवाया था दोस्तों। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। अर्थात इसने वो जगह डिसाइड कर दी जहां पर मरने के बाद इसे दफनाया जाए। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है जो किसमें से देखने को मिलती है, अपने को इल्तुतमिश में से देखने को मिलती है फ्रेंड्स।
और क्या विशेष बात इल्तुतमिश में देखने को मिलती है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर विजय की दोस्तों, तो ग्वालियर विजय के उपलक्ष में इसने सिक्के जारी किए और इन सिक्कों पर उसने अपनी बेटी रजिया का नाम लिखवाया दोस्तों। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी, काफी योग्य थी। तो पहला शासक जिसने सिक्कों पर अपनी पुत्री का नाम लिखवाया वो भी कौन है? सुल्तान इल्तुतमिश है फ्रेंड्स। तो ग्वालियर विजय के उपलक्ष में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम के सिक्के जारी किए, ठीक है? रजिया के नाम के सिक्के किसने जारी कर दिए? उसी के पिता ने जारी किए और उसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमें किसमें से देखने को मिलती है फ्रेंड्स? इल्तुतमिश में से देखने को मिलती हैं। चलिए और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इल्तुतमिश में से बात करते हैं। इल्तुतमिश ने दोस्तों नागौर में तारेकीन का दरवाजा बनाया। तारेकीन दरवाजे का निर्माण करवाया। देखिए क्या है तारेकीन और क्या है तारेकीन का दरवाजा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सूफी संत जिनका नाम है दोस्तों हमीदुद्दीन नागौरी। क्या नाम है? हमीदुद्दीन नागौरी। तो सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है दोस्तों नागौर में, ठीक है? इस सूफी संत को सुल्तान ए तारेकीन की उपाधि दी थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सुल्तान ए तारेकीन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सूफियों का सुल्तान। समझ में आ रही है बात? यानी संतों का सुल्तान। तो ऐसी उपाधि दी थी। तो इस दरगाह का दरवाजा जो है उसका नाम है तारेकीन दरवाजा और इसका निर्माण किसने करवा दिया? सुल्तान इल्तुतमिश ने इस दरवाजे का निर्माण करवा दिया दोस्तों। चलिए तो ये मुख्य मुख्य बातें हमने की जो किसके बारे में है? इल्तुतमिश के बारे में है दोस्तों। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के समय के सूफी विद्वान या प्रमुख विद्वान की, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? मिन्हाज उस सिराज। तो ये प्रमुख विद्वान है जिसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। क्या नाम है दोस्तों? मिन्हाज उस सिराज। सिर्फ उसे हम मिन्हाज ही कहते हैं। तो ये विद्वान का नाम है दोस्तों। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। काफी फेमस किताब है दोस्तों। तो इस किताब में इसने इल्तुतमिश के शासन का वर्णन किया है। क्या है किताब का नाम? यहां लिख रहा हूं मैं, अब आप सोच रहे होंगे नासिरी क्यों लिखी है? क्योंकि कालांतर में शासक बना था सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद या महमूद, उसके समय में बुक कंप्लीट की गई, इसलिए इसका नाम तबकात ए नासिरी रखा गया, ठीक है? तो ये विद्वान किसके शासनकाल में था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में था। तो ये मुख्य मुख्य बातें दोस्तों हमने किसके बारे में बात कर ली? इल्तुतमिश के बारे में बात की है। अब हम अगला शासक देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपन। अगला शासक जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, इसमें से ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रुकनुद्दीन फिरोज नाम के समान ही रुक गया ये। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना दोस्तों कब बना? 1236 में, क्योंकि 1236 में ही मृत्यु हुई थी सुल्तान इल्तुतमिश की। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बन गया उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज, जबकि स्वयं इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी रजिया शासक बने, क्योंकि रजिया योग्य थी दोस्तों। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी रजिया को बना दिया था, लेकिन ऊंचे दर्जे के जो अमीर सरदार थे उन्होंने मरने के बाद इस आदेश की पालना नहीं की और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। ये ज्यादा समय तक शासक नहीं किया, इसने केवल 4 माह शासन किया दोस्तों। तो इसको हटने के बाद या हटाने के बाद फिर शासक बना, कौन बनी शासक? तो अब हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद अगली शासिका है रजिया सुल्तान। तो पहला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक का शासनकाल रजिया का शासनकाल है दोस्तों, रजिया सुल्तान का। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि रजिया कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इल्तुतमिश ने रजिया को जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था। पर जब अमीर सरदारों ने इसे ये पद नहीं दिया तो ये पहुंच गई पब्लिक के पास, तो और पब्लिक ने इसका साथ दिया। पब्लिक को कहा कि जो सुल्तान मरहूम सुल्तान इल्तुतमिश है वो मुझे शासक बनाना चाहते थे और मैं ही तुम्हारी अच्छी शासक सिद्ध होंगी, तुम्हारे लिए वो सारा काम करूंगी जो अन्य शासक नहीं कर सके। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पहली बार क्या प्रथम बार दिल्ली की जनता ने रजिया के उत्तराधिकार प्रश्न पर राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा शासक या शासिका है जिसके शासक बनने के लिए दिल्ली की जनता ने पहली बार हस्तक्षेप किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मुझे बताने की कतई जरूरत है नहीं पर फिर भी बता देता हूं। प्रथम व एकमात्र सल्तनतकालीन महिला शासक। कौन है दोस्तों? हम जानते हैं वो रजिया है। तो प्रथम व एकमात्र महिला शासक सल्तनत काल की कौन है? रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया बहुत सफल शासक सिद्ध नहीं हो सकी दोस्तों, जबकि रजिया बहुत ही गुणवान थी। चलिए, लेकिन अब हम बात करते हैं क्यों नहीं किया। तो देखिए, रजिया ने कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की, तो बात करते हैं कि इसने वजीर के पद पर किसको बनाया। तो वजीर बनाया इसने दोस्तों ऐतगीन को, जिसको इसने ऊंचे पद दिए। उन्होंने इसके साथ छल किया है, सबने तो नहीं पर अधिकांश ने किया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति था अल्तुनिया, जिसको तबर हिंद का सूबेदार बनाया। तबर हिंद, सरहिंद या भटिंडा को कहते हैं दोस्तों, और ये पंजाब में है आज का गवर्नर कह दें, इक्तेदार कह दें, या सामान्य भाषा में बात करूं तो सूबेदार। तो तबर हिंद या भटिंडा या पंजाब का सूबेदार किसको बनाया? अल्तुनिया को बनाया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा एक और पद है मुख्य, जिसका नाम है अमीर ए आखर।
अमीर आखुर का मतलब होता है घुड़साला का प्रधान सेनापति या प्रधान अध्यक्ष, ठीक है। तो घुड़शालापति आज की भाषा में मैं कह सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये किसको बनाया इसने, ये बनाया जमालुद्दीन याकूत, ये जमालुद्दीन याकूत कौन था दोस्तों, ये अबीसीनिया का रहने वाला था। अबीसीनिया को आज हम इथोपिया कह सकते हैं, तो अबीसीनियाई हब्सी था। हब्सी एक जाति थी, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ये काफी बर्बर था और बाकी अमीर सरदार इसे अपने से निम्न वर्ग का समझते थे दोस्तों। तो इस वजह से कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी कि जमालुद्दीन याकूत जो की तुलना में निम्न वर्ग का है उसे इतना ऊंचा पद दे दिया गया दोस्तों। कुछ विद्वानों के अनुसार रजिया और याकूत में आपस में बहुत घनिष्ठ या यूं कह सकते हैं प्रेम संबंध थे दोस्तों। और अब प्रेम का क्या है, प्रेम तो किसी से भी हो जाता है। खैर, तो यहां पर इससे प्रेम था ऐसा माना जाता है। और ये जो अल्तूनिया है दोस्तों, ये अल्तूनिया भी रजिया से मोहब्बत करता है, एक तरफा मोहब्बत, ठीक है, एक तरफा प्रेम करता है। और इसको ये बात बहुत बुरी लग जाती है दोस्तों और ये विद्रोह कर दिया कर देता है। तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अल्तूनिया के विद्रोह की। तो देखिए, तो किसने विद्रोह कर दिया, अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया दोस्तों। अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया है दोस्तों, और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया स्वयं सेना लेकर जाती है। और रजिया अपने साथ में किसको लेकर जाती है, जमालुद्दीन याकूत को भी लेकर जाती है दोस्तों। तो वर्सेस रजिया प्लस याकूत, याकूत को देखकर इसे बड़ा क्रोध आता है और रजिया सोचती है कि मैं हिंदुस्तान की सुल्तान हूं तो मेरे आदेश का पालन कौन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मामला गड़बड़ हो गया और इस अल्तूनिया ने भैया हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी दोस्तों, याकूत की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी है, याकूत की हत्या करवा दी है। और याकूत की हत्या करने के बाद में इसने रजिया को बंदी बना लिया। याकूत की इसने हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। अब रजिया के पास दो ऑप्शन है, यानी रजिया से पूछा गया कि तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए है। तो रजिया के पास दो ऑप्शन दिए कि एक, हम तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे, और दूसरा, हमसे निकाह कर लो, हम तुम्हें बख्श देंगे। तो भैया रजिया भी बहुत बुद्धिमान थी, इसने देखा याकूत तो गया तो उसे जाने दो, हमें तो अभी जीना है क्योंकि जान है तो जहान है भाई। और रजिया ने शादी कर ली अल्तूनिया से। तो मैं यूं कहूं कि इस घटना के बाद रजिया वेड्स अल्तूनिया। तो अल्तूनिया और रजिया का दोस्तों विवाह हो गया है, रजिया और अल्तूनिया का शादी हो गई है, विवाह हो गया है। इसलिए लग रहा है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं। दिल्ली में जो इसके अन्य सिपहसालार थे, स्पेशली आतगीन जो था, उसने रजिया के भाई को शासक बना दिया जिसका नाम है दोस्तों बहराम शाह। तो इस युद्ध के बाद हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं कि रजिया और के बाद में बहराम शाह को शासक बना दिया गया दोस्तों। तो दिल्ली में अमीर सरदारों ने बहराम शाह को शासक बना दिया है। रजिया और अल्तूनिया वापस उस राज्य को लेने की कोशिश करती है दोस्तों। तो देखिए किसको शासक बना दिया, बहराम शाह शासक बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है शासक, बहराम शाह बन गया है, ठीक है।
अब देखो, अब हम बात करें तो ये सारा घटनाक्रम जो हुआ 1238 से 39 में हुआ है फ्रेंड्स। कब हुआ? 1238 से 39 में। अब रजिया और अल्तूनिया, रजिया और अल्तूनिया मिलकर दोस्तों दिल्ली पर अधिकार का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो उनका यह प्रयास कैसा हो जाता है? असफल। तो दिल्ली पर अधिकार करने का असफल प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली पर अधिकार करने का असफल प्रयास करते हैं, इसकी तैयारियों में ये जुटे हुए हैं दोस्तों। क्या जुटे हुए हैं? तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसकी तैयारियों में जुटे हैं? दिल्ली पर अधिकार करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये केथल में रुके हुए हैं। केथल दिल्ली के निकट एक स्थान था दोस्तों, आज केथल हरियाणा में है। तो यहां पर ये रुके हुए हैं। कुछ लुटेरों को पता लग जाता है कि यहां शाही परिवार के लोग रुके हुए हैं। और आपको पता है दोस्तों, अगर शाही परिवार होगा तो उसके साथ बहुत सारा धन होगा, पैसा होगा, हीरे होंगे, मोती होंगे, जवाहरात होंगे, आभूषण, यानी कि पैसा ही पैसा। इसलिए कुछ लुटेरे यहां पर लूट की फिराक में आते हैं दोस्तों। किसकी फिराक में आते हैं? लूट की फिराक में आते हैं। और यहां पर केथल नामक स्थान पर कुछ लुटेरे कब? अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया वेल्तुनिया की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर दी गई दोस्तों? ये हत्या हुई रजिया और अल्तूनिया दोनों की। कहां पर हुई है ये हत्या? ये हुई है आपके केथल में। तो इस प्रकार से रजिया का एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाता है? रजिया का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बात कर लेते हैं अपन एक बार। तो बैराम शाह शासक बन गया विद्रोह के बाद। रजिया और अल्तूनिया ने मिलकर दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे फ्रेंड्स। उसके बाद ये रुके हुए थे केथल हरियाणा में। तो अक्टूबर 1240 में, 1240 ईस्वी में कुछ लुटेरों ने रजिया और अल्तूनिया की हत्या कर दी है दोस्तों। तो रजिया के असफल होने का सबसे बड़ा दोष क्या था दोस्तों? उसका कोई दोष नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, पर एक ही उसका सबसे बड़ा अपराध है, दोष है उसका महिला होना। अब आप सोचोगे महिला होना कोई दोष है क्या? बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है, कदाचित नहीं है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति वो नहीं थी दोस्तों जो आज है। तो इस वजह से जो लोग रूढ़िवादी थे वो ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि ये पर्दे से बाहर आकर सबके सामने ये दोस्तों रजिया मर्दाना वेश धारण करके गद्दी पर बैठती थी और शासन संचालित करती थी। तो ये रूढ़िवादी लोगों को बुरा लगता था कि एक औरत हम पर शासन करे। इसलिए उसके खिलाफ दरबारी लोगों ने षड्यंत्र किया और उसका शिकार हो गई रजिया। कहा जाता है कि रजिया अगर पुरुष होती तो सल्तनत काल का अकबर होती, यानी महान शासक होती दोस्तों। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। खैर, अब हम देखते हैं अगले शासक की बात, जिसका नाम है दोस्तों बहराम शाह। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला शासक हम देखते हैं बहराम शाह। तो बहराम शाह में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कुछ नहीं है, कोई विशेष नहीं है कि क्वेश्चन बनता है दोस्तों। शासनकाल इसका 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक का शासनकाल है। बहुत ही छोटा शासनकाल है, बहुत बड़ा नहीं है। पर इस छोटे शासनकाल में इसने एक बड़े पद का गठन किया और इसने एक नया पद बनाया दोस्तों, जिसे कहते थे नायब ए मुमालिक। तो इसने नायब ए मुमालिक के पद का गठन किया दोस्तों। क्या है ये नायब ए मुमालिक? देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फौजदारी मामलों का पदाधिकारी होता था फ्रेंड्स, कौन होता था? वजीर।
और सबसे बड़ा जो दीवानी मामले में उसका पदाधिकारी होता था दोस्तों दीपान। तो जो वजीर था उस समय का एतकीन, उसे लगता था कि मेरे पास पावर तो है, पोजीशन तो है, पर पैसा नहीं। इसलिए उसने क्या किया, इस बहराम शाह को उकसाया और ये वजीर और दीवान दोनों से ऊंचा और एक बड़ा पद बनवाया दोस्तों, जिसके अंदर ये दोनों पोस्ट इंक्लूड है। तो नायब मुमालिक हम कह सकते हैं कि सल्तनत काल में सुल्तान के बाद सबसे बड़ा जो पद था वो नायब मुमालिक था दोस्तों, और इसमें वजीर और दीवान दोनों की शक्तियां थी। और सल्तनत काल का पहला नायब मुमालिक बना एतकीन, क्योंकि इसने ये पद स्वयं के लिए ही बनवाया था दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसमें से, आपके बहराम शाह में से। और कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहराम शाह में से हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। उसके बाद जो अगला शासक है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह, देखिए इसका कतई संबंध अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह का समय माना जाता है दोस्तों, ये सिर्फ मैं कड़ी जोड़ने के लिए बता रहा हूं, बाकी इसमें से कुछ भी पूछने की संभावना नहीं है फ्रेंड्स। 1242 से 1246 ईस्वी तक का शासनकाल किसका शासनकाल कहलाता है, तो वो अलाउद्दीन हुसैन शाह है। उसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है फ्रेंड्स, क्या नाम है उसका, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो जो अभी हमने पुस्तक की बात की थी इल्तुतमिश के काल की, कौन सी बात की थी, तबकात ए नासिरी, तो इसी के समय लिखी गई थी, नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसका समय शुरू होता है 1246 से दोस्तों, और इसका समय रहता है 1266 तक। 1246 से 1266 ईस्वी तक का शासनकाल क्या कहलाता है, आपके सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का काल कहलाता है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको लिख दूं इसकी पर्सनैलिटी की बात थोड़ी सी। ये बहुत ही सीधा सज्जन आदमी था दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं कि ये किसके कारण शासक बना, तो ये समझ लो कि इसके समय सबसे बड़ा पदाधिकारी था, ताकतवर व्यक्ति था बलबन दोस्तों। ये बलबन के कारण ही शासक बना था। तो ये किसके प्रयासों से शासक बना, तो ये बलबन के प्रयासों से शासक बना। तो चूंकि बलबन के प्रयासों से शासक बना, तो इसने बलबन को एक उपाधि दी दोस्तों। क्या उपाधि दी देखते हैं, तो इसने एक उपाधि दी है दोस्तों, उलूग खां। तो ये उलूग खां की उपाधि इसने किसको दी, बलबन को दी है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है महापुरुष या महान व्यक्ति। तो इसने बलबन को उपाधि दी कि यू आर अ ग्रेट मैन दोस्तों। चलो उसके बाद बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया दोस्तों। किसने किया, बलबन ने, ताकि ये सल्तनत काल में पावरफुल बना रहे, क्योंकि ये सुल्तान का ससुर है। तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह से किया। किससे कर दिया है, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया है दोस्तों। ये इतना सीधा सिंपल आदमी था दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि ये अपना दिल्ली का खर्चा चलाने के लिए, कौन मैं बात कर रहा हूं, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की। तो ये अपने निजी खर्चों के लिए दोस्तों कुरान की आयतें लिखता था, और कुरान की आयतें लिखकर यानी प्रतिलिपियां लिखकर ये अपना खर्चा चलाता था दैनिक जीवन का। कुरान की प्रतिलिपि लिखकर निजी खर्चे चलाता था, यानी राजस्व में से, रेवेन्यू में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं लेता था दोस्तों।
इसके लगभग पूरे शासन काल में दोस्तों, सुल्तान नासुद्दीन महमूद शाह के लगभग पूरे शासन काल में जो हमने अभी पहला पद देखा था नायब मुमालिक का, तो पूरे शासन काल में लगभग 20 वर्ष में से 19 वर्ष नायब मुमालिक के पद पर रहा, कौन रहा? बलबन दोस्तों। तो पूरी सत्ता हम यूं कह सकते हैं कि बलबन के काल में ही थी, बलबन के हाथ में थी। केवल एक वर्ष के लिए बलबन को हटा दिया गया था, और वो वर्ष कौन सा था दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं आपको, केवल 1253-54 ईस्वी में एक साल के लिए इस पद पर आसीन हुआ था राय रहान, पहला भारतीय मुसलमान जो इस पद पर पहुंचा। तो पहला भारतीय मुसलमान जो इस पद पर रहा उसका नाम था राय रहान, वो केवल एक वर्ष पर रहा था दोस्तों, और इस एक वर्ष में उसको वापस हटा दिया गया, और 1254 में, कौन से साल में? 1254 में, यानी यूं लिख दूं 1254 में इसे हटाकर पुनः बलबन इस पद पर आसीन हो गया दोस्तों। तो यूं कह सकते हैं कि बलबन इस पद पर कब से कब तक रहा, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं, बलबन इस पद पर रहा 1246 से लेकर 1253, और दोबारा रहा 1254 ईस्वी से लेकर 1266। यानी यूं कह सकते हैं कि पूरी पावर बलबन के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, और उसके बाद 1266 में बलबन स्वयं हिंदुस्तान का शासक बन गया है दोस्तों। तो देखा आपने किस प्रकार से सुल्तान नासुद्दीन महमूद शाह का काल था, तो इसमें 1246 से 66 तक का शासन काल है। बलबन के प्रयासों से शासक बना, उलूक खां की उपाधि इसने बलबन को दी, बलबन ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। ये अपने निजी खर्चों की पूर्ति के लिए कुरान की प्रतिलिपि आयतें लिखकर खर्चे निकालता था दोस्तों। नायब मुबालिक के पद पर इसके समय अधिकांश समय कौन बना रहा? बलबन रहा रहा। तो अब हम अगला शासक देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे गयासुद्दीन बलबन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।